नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल के दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात की है। इसके साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला लिया गया है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए और उसे नियंत्रण करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश तक जारी तक होने के लिए सभी निजी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीती रात कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कमीशन ने कहा है कि 50% सरकारी अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी गई है और इसके अलावा निजी कार्यालयों को भी इसे अपनाने का सलाह दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कमीशन ने यह भी कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा गई है और केवल जरूरी सामानों की ही एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस को भी छोड़कर सभी को 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी है और जिसके बाद से ही दिल्ली सरकार ने उत्तरी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने का सुझाव भी दिया है। जनजातीय महासम्मेलन में अपने संबोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जनजातीय समुदाय पर कर्ज दर्ज छोटे प्रकरण वापस लिए जाएं और ग्राम सभाओं को अधिक अधिकारी देकर सख्त बनाया जाए। राशन आपके द्वार योजना के तहत प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं उसे गांव-गांव भेज दिया जाए और गाड़ी भी सरकार की नहीं आदिवासी नौजवान की होगी। बैंक से सरकार अपनी गारंटी पर ऋण प्रकरण स्वीकृत कराएगी। और आपको ये भी बता दें कि 37 लाख व्यक्तियों को राशन के लिए पात्रता पर्ची भी मिलेगी और मोदी राज में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं पर परिवार बड़ा होने से समस्या आ रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। इसमें निःशुल्क भूखंड दिए जाएंगे। कांग्रेस ने तो कभी स्कूल सड़क बनाया नहीं, बिजली भी हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राजधानी भोपाल सिर्फ नवाबों का इतिहास ही नहीं है, यहाँ कभी गोंडवाला का राज हुआ करता था और भोपाल से लेकर 52 गढ़ थे जिनमें आपको बता दें कि रानी भी कमलापति थी। और आपको ये भी बता दें कि एक अफगान दोस्त मोहम्मद आया था और जिसने छल कपट करके ही इसे इस्लामगढ़ को लूटा और उसकी नजर जो है गिनोरगढ़ और उसकी रानी कमलापति पर थी और उनके पुत्र नवल शाह भी वहां पर मौजूद थे। और रानी को लगा कि रक्षा नहीं कर पाएंगे तो सम्मान के लिए छोटे तालाब में जल समाधि ले ली और रानी भुला दी गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इतिहास में उचित स्थान ना हो अंग्रेजों ने ये दिया था और ना कांग्रेस ने प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करके सिर्फ उनका जनजातीय समाज मध्य प्रदेश और भोपाल का सम्मान बढ़ाया है।